हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। लेट मी वॉश माय फेस। अभी हम बाहर चलते हैं। गाइस, अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ। लेट मी ओपन दिस विंडो। यार डोर स्क्रीन गिर गया, सुबह सुबह डांट भी पड़ गई। अभी मैं लगा नहीं सकती क्योंकि मेरी हाइट उतनी तक आएगी नहीं। छोड़ो। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे। फाइनली अभी मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ। थक गई यार सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। गाइज, फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से दैट आई एम नॉट एन अर्ली बार्ड। दैट मीन्स मैं सुबह जल्दी नहीं उठती। आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि पहली बात मुझे ब्लॉग बनाना था, एंड दूसरी चीज़ मेरी बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी एंड उसको मेरी आदत बनाना है। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू बी एन अर्ली बार्ड, क्योंकि मुझे भी फिट रहना है फिज़िकली। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू हैं, उनके लिए मैं योगा करना स्टार्ट आज से करने वाली हूँ। नॉर्मली मैं योगा नहीं करती, पिछले भी मैंने ट्राई किया था बट मेरे से हुआ नहीं। गाइस आप देख सकते हैं सन बड़ा प्यारा दिख रहा है, एंड हियर क्लाउड्स भी। अभी आपको मैं आगे का व्यू दिखाने वाली हूँ। वहाँ पे बहुत स्मोक ढका हुआ है एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है, सो लेट्स सी दैट। ये आप देख सकते हैं बहुत स्मोक ढका है, एंड ये हमारे घर के पीछे थोड़े हरे भरे पौधे हैं। कौन से पौधे, आई डोंट नो। एंड गाइज, मैंने पिछली लॉकडाउन में भी मैंने स्टार्ट किया था बट मेरे से हो नहीं पाया। मैं एक दिन सुबह उठी, उसके बाद सो गई, एंड मैं मतलब दो दिन शायद मैं की होंगी। सुबह उठी फिर मैं सो गई, फिर मेरे से हुआ ही नहीं कि मैं सुबह उठ ही नहीं सकती। फिर भी मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं रेगुलर योगा कर पा सकूँ। सो लेट्स सी होता क्या है। तो गाइज अभी मैं अपना योगा स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड हाल ही मैंने कल एक आर्टिकल में पढ़ा था कि सुबह सुबह आपको गायत्री मंत्र चैंटिंग करने से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी रिमूव होता है एंड आपको एक गुड हार्ट प्रोवाइड करता है, एंड आप में जो नेगेटिविटी होता है वो भी दूर करता है, पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, अगर मैं बताऊँगी तो बहुत सारे हैं, बोल नहीं पाऊँगी इतने सारे। तो पहले आज मैं गायत्री मंत्र चैंटिंग करने वाली हूँ। इस आर्टिकल में साफ लिखा था अगर आप उसके मीनिंग के साथ विद ए गुड हार्ट अगर आप उसको चैंटिंग करते हैं तो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले मैं गायत्री मंत्र चैंटिंग करने वाली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इसको जितनी बार चाहे चैंट कर सकते हैं। मैं बहुत बार नहीं चैंट करूँगी क्योंकि मुझे अपने अभी मेरा योगा भी स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले मैं कुछ एक्यूप्रेशर करने वाली हूँ, क्योंकि आप सबको पता है एक्यूप्रेशर हमारे बॉडी में बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे हैंड में एक्यूप्रेशर कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स होता है। वो आपके पेन रिलीफ करता है, बॉडी मेंटेन करने मदद करता है, एंड पहली बात आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करता है एंड एक अच्छा हेल्थ बना रहता है इससे। सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी मैं कुछ एक्यूप्रेशर करने वाली हूँ जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है एंड स्पेशली माइग्रेन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्टिंग डे है, मैं थोड़े थोड़े टाइम कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे इसकी बढ़ाना पड़ेगा इसका ड्यूरेशन। आज मेरा स्टार्टिंग डे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम कर रही हूँ। अभी थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करूँगी मैं। यार ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या आज मैं नहीं करने वाली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इससे बेटर कि मैं अपना आई का जो एक्सरसाइज होता है वो करती हूँ। फाइनली आई एम बैक इन माई पोजिशन। आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा धूप आ रही है, लेट मी रोटेट इट। ओके, मैं अभी आई का एक्सरसाइज करने वाली हूँ। मेरी आई साइड थोड़ी लो है, तो मैंने हाल ही एक वीडियो देखा था यूट्यूब में कि आई साइड इंक्रीज़ करने के लिए पहले तो आपके आई वॉल को आपको मूव करना पड़ेगा। एंड इट ये थोड़ा थोड़ा फनी है, लाइक ऐसे ये थोड़ा थोड़ा फनी, बट आई हैव टू डू। फनी एक्सरसाइज है बट आई हैव टू डू। आज मेरा पहला डे है तो आज के लिए इतना ही, एंड अभी थोड़ा थोड़ा धूप भी होने लगा है तो अभी हम नीचे चलते हैं। गाइस अभी मैं नीचे जा रही हूँ।
गाइज इट्स द टाइम टू टेक विटामिन डी. मैं विंडो के बाहर आ चुकी हूँ एंड इधर थोड़ी थोड़ी सी धूप है. सो गाइज लेट मी शिट हियर. सो गाइज लेट्स टॉक. यू नो मैं अभी हमारा हॉस्टल छुट्टी नहीं हुआ है फिर भी मैं आ गई हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी हेल्थ इशू हेल्थ ख़राब हो गया था क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हेल्थ इशू क्या बताऊँ आपको. आप सुनोगे तो हंसोगे. तो गाइज मैंने ओवर हीट कर लिया था इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं चली आई. अभी ठीक हूँ घर का खाना खा रही हूँ. यार मैं संडे जाने वाली हूँ देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला. लगा कि मैं अभी आई हूँ क्या यार फिर से हॉस्टल जाना पड़ेगा. बट जाना तो पड़ेगा पढ़ाई के लिए. एग्ज़ाम्स आएंगे सेमेस्टर है मेरे सो जाना पड़ेगा मुझे. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.